स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर भाई गुरु। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ये जो स्पीड मीटर है इसके अंदर वायर कट चुकी है देखो, और ये जाम हो चुकी है, ये मीटर बाद हो चुकी है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा इस मीटर को हम ठीक कर सकते हैं और आप भी ठीक कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप फुल देखेंगे तभी आपको पता चलेगा जो ये मीटर किस तरह से ठीक करता है, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मेरे पास कुछ चीज़ है जो आपको वो भी टूल्स लेना पड़ेगा तब जाके ये चीज़ होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये तार नहीं डूबता है, नहीं घुसता है, एक किलोमीटर का तार, इसके अंदर तार टूटा हुआ है और ये नहीं निकलेगा, जाम हो चुकी है। तो मुझे इसको निकालना है, तो किस तरह से मैं निकालें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। अगर आप मैकेनिक हो तो मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, मैं बताऊंगा किस तरह से निकालूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, चलो शुरू करता हूं। और तो सबसे पहले मुझे इस तरह से चीज़ में रखना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि जब हम काम करेंगे ये कांटा टूटने का चांसेस रहता है, और इस डायल को भी खोल लेंगे। बस ये कांटा खुल चुकी है, ठीक है, ये कांटा खुल चुकी है। अब मैं थोड़ा इस डायल को भी खोल लूँगा, काम करने में मुझे अच्छा होगा, कहीं मीटर में आँच ना आ जाए, डायल टूट ना जाए, इसका कारण ये सब हम खोल लेंगे। मैंने खोल लिया है और इसका अंदर ये टूटा हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैं कभी भी नहीं निकाल सकता, मैं नहीं, ये इंडिया का कोई भी मैकेनिक जो है इसे बाहर नहीं कर सकता है। लेकिन मैं चैलेंज मारता हूँ, इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूँगा और ये निकल आएगा अपने आप। मेरा वीडियो वॉच देखिए, आपको पता चलेगा सजीर भाई गुरु किस तरह से ये काम करता है मीटर। मैं काफ़ी सारे मीटर में काम करता हूँ, जैसे कि ये पॉइंट जो होती है पॉइंट नहीं उठता है और स्पीड मीटर उठ रहा है, तो उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। ये जो प्रीमियम कट जाएगा, तो मेरे पास देखो कितना प्रीमियम है, मैं ये कलकत्ता से ला के रखा है मल्लिक बाज़ार से, मंदिर गली से, और ये काफ़ी सारे मीटर का मैं काम करता हूँ, और ये अलग से रहता है तो अलग से वीडियो बनाऊँगा। ये पॉइंट नहीं उठता है, स्पीड मीटर उठता है, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगा किस तरह से करें। तो चलो दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा इसको क्लियर हम किस तरह से करें। तो दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों ये हमारे पास ड्रिल मशीन है और ये थोड़ा मोटा है, इसे अगर हम इसको बोर करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, स्पीड मीटर नहीं काम करेगा। तो मिनी वाला जो है इसका नंबर क्या है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है। तो इस तरह से आपको लेना चाहिए, ये ड्रिल मशीन का फॉल है, जेके कंपनी का ओरिजिनल, और इसी से मैं बोर करूँगा। चलो इसे लगा देता हूँ, ठीक है, इसे अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। मशीन काम कर रहा है और देखो यहाँ छेद नहीं है, अब मैं इसे छेद करूँगा। तो मुझे इसको पकड़ के रखना है, तो किस तरह से पकड़े, ये घूम जाएगा, इसका कारण मुझे इसे हम पकड़ के रखेंगे। देखो कितना मैल आ रहा है और कट रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके। इसके अंदर जो मीटर केबल है, मीटर तार फंसा हुआ है, उसको मैं ड्रिल मशीन से कट देंगे। आधा हो चुकी है और थोड़ा है, तो मुझे डर लग रहा है कहीं ये टूट ना जाए, तो इसे मैं थोड़ा अंदर घुसा लूँगा। बस अब मुझे डर नहीं है ये टूट जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो इसके अंदर ये तार पूरा निकल चुकी है, और कितना मैल था पूरा निकाल दिया हूँ।
फिर मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा तेल देके और इसको वॉश कर लेता हूँ। इसको जितना माइल रहेगा ये निकल आएगा। बस ये एकदम साफ़ हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो ये है मीटर केबल का तार, और देखो ये पूरा आराम से इसके अंदर चला गया और ये पूरा काम करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा भी जाम चल रहा है, इसको मैं तेल दूंगा और बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा मीटर कंसोल, और इसके अंदर जो छेद था मैंने आपको दिखाया, जो अब देखो कितना सा जा रहा है, ये पूरा इतना सा चला गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये मीटर बिल्कुल ख़राब हो गया था और मैंने इस मीटर को ठीक किया। तो अगर आप चाहते हो इसी तरह काम करना तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ जानकारी की ज़रूरत है, वो जानकारी मैं दूंगा आप लोगों को। तो मेरे चैनल पे आप लोग बने रहे हैं, बाइक का साथ हर कोई वीडियो, हर कोई रिलेटिव वीडियो मैं आपको देता रहूँगा, जैसे का वायरिंग का प्रॉब्लम हो, मीटर कंसोल का हो, इंजन का हो, जो कोई भी प्रॉब्लम हो मैं आपसे वादा करता हूँ आपका साथ हूँ। तो दोस्तों इसी तरह मीटर का काम करते हैं और ये मीटर बिल्कुल ठीक हो गया। अगर ये मीटर हम ठीक नहीं करता तो इसका पूरा सेट लगाना पड़ता, इसका कीमत है 1500 से 1200 कीमत हो सकता है, ठीक है। तो यामा कंपनी का मीटर कंसोल का दाम ज़्यादा है, 2000 भी हो सकता है, इसका दाम मुझे नहीं मालूम है। तो दोस्तों इसी तरह मीटर का काम करता है और ये काम करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर भाई गुरु के साथ।